स्टार्टिंग इनके इंटरनल बोर्ड में है, तो भैया बोर्ड स्वैप करो, बेस्ट है अगर आपका सीपीयू सही है तो। सीपीयू की आप 1.8 वोल्टेज की लाइन चेक कर लो, वीडीडी अगर वो आपकी बीप मार रही है, और आप वो सीपीयू के नीचे पैड पे भी चेक कर सकते हो। सर नोट 6 प्रो डेड हो गया है और डाटा ये इन्होंने वहाँ पे, भैया नोट 6 प्रो MMC से डेड होता है, नहीं हो पाएगा। सर बयान को वीडियो में आना, आज की तारीख में कौन सा बेस्ट रहेगा, बोर्नियो कॉम्बिनेट? पहली बात तो कॉम्बिनेट प्रो तो फेल है, बोर्नियो बेस्ट है। बट अगर आप नए हैं, फ्रेशर हैं और आप सीख रहे हैं, तो मेरे भाई बोर्नियो आपको एंडलेस तो नहीं बताएगा, वो चार, वो मान लो 8 लाइन में उससे 3 लाइन बता रहा है, 5 लाइन तो स्किप कर दे रहा है। खैर समझदार लोगों को इशारा काफ़ी है, और बाकी लोगों के लिए क्या बोल सकते हैं। सर PCB इंस्टीट्यूट की तरफ से मिलते हैं कि नहीं? जहाँ बिल्कुल मिलते हैं, ट्रेसिंग के लिए पर लाइव आप लाइए, नहीं तो कहने को रहेगा कि हमने जो दिया आप उसी में कर रहे हैं, आप जो लाएंगे हम उसी में करवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सो हाय माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ, थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब करें और ना करें आपकी अपनी अंदर की मर्जी, अपने अंदर की है कि आपको इस चैनल से और कुछ सीखने मिलता है या नहीं मिलता है। बाकी आपको अगर मिलता है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं मिल सकता तो आप अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए, ऑल द बेस्ट और मेहनत करते रहे। अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया। क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? उसका सीपीयू निकल रहा हूँ। कौन सा फ़ोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका सीपीयू निकालने वाले हैं। कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपके घर वाले भी बहुत अच्छे होंगे। मैं देवेंद्र अग्रवाल इसे टेलीकॉम की टीम की तरफ से, दोस्तों ये वीडियो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ, और इस बार मैं लेकर आया हूँ सॉल्यूशंस। मैं अपने कमेंट्स उठाने वाला हूँ, जो जो मुझे कमेंट्स करते हैं। अगर आप लोग सॉल्यूशंस पूछना चाहते हैं तो आप भी कमेंट कर सकते हैं। मैं हर हफ्ते मैंने सोचा है कि एक वीडियो बनाया जाए और एक सॉल्यूशंस पर उनको सॉल्यूशन के तौर पर दिया जाए, ताकि आप लोगों को भी कुछ सोल्यूशन ऐसे टेलीकॉम से फ्री मिल सकें जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, और साथ में कुछ अच्छे अच्छे एडवाइस भी मिल सकें जो कि इस फील्ड में मैंने कई साल दिए हुए हैं। और मुझे आई होप कि मुझे लगता है कि आपको ये सारे जो कमेंट्स के जवाब होंगे वो आपको फ़ायदेमंद होंगे और इससे आपको बहुत सीखने को मिलेगा। ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, हमारे नेक्स्ट मंथ 28 अप्रैल और 28 मई की सीट हमारी बुकिंग हो रही है। अगर आप आना चाहें तो आप आ सकते हैं। हॉस्टल और मैस कम्प्लीटली फ्री है, यहाँ 12 घंटे कहते नहीं हैं, बोलते नहीं हैं, यहाँ देते हैं। और यहाँ 12 घंटे में लगभग 8 घंटे से ज़्यादा तो आपको उसे प्रैक्टिकली मिलता है। ऑलमोस्ट हमें 6 या फिर 5 घंटे हमारे थ्योरी से एक्सचेंज होता है, और उससे कहीं ज़्यादा तो हमारा प्रैक्टिकली होता है। और दोस्तों यहाँ पर आप जितने हैंडसेट लाएँ उतने ही ला सकते हैं, वो हैंडसेट आपसे ज़्यादातर फॉल्टी हैंडसेट होंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। फॉल्टी का मतलब अगर आपके ग्राफिक्स के होंगे, अगर आपके लाइट के होंगे, कोई टेम्परेचर का फ़ोन है, कोई चार्जिंग का फ़ोन है, कोई नेटवर्क का फ़ोन है, और उसके बाद अपने लिए डायग्नोस फ़ोन लेके आएँ, और डबल डेकर भी आप लेके आएँ ताकि हम डबल डेकर भी करें साथ में। और उसके साथ आपके अगर कोई फ़ोन, आप अगर काम कर रहे हैं MMC वाले हैं और अगर आप फ्रेशर हैं तो आपके पास जो जो बस्ते में फ़ोन है आस पास से मिले वो भी आप ला सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम लाइव वर्किंग फ़ोन पे ही काम करते हैं, हम जो भी सीखते हैं पहले हम उसको समझते हैं प्रैक्टिकली। हमारा इसी की हम डाटा सीट देते हैं, आप देख सकते हैं, और आप अगर देखना चाहें भी तो आप पीछे देख सकते हैं ये सारे स्टूडेंट्स, और आप इनको देख सकते हैं हमारे फेसबुक चैनल पे। ये देखिए आप इनको, ये हमारी क्लासेस हैं, आप इनको देख सकते हैं फेसबुक चैनल पे। फेसबुक में जाके आप ऐसे टेलीकॉम सर्च कर सकते हैं और वहाँ पर जाकर इनको डेली लाइव क्लास दे सकते हैं, जो कि पूरे इंडिया में वो ऑलमोस्ट हम ही आते हैं डेली लाइव। हम लाइव केवल अपनी शक्ल दिखाने के लिए नहीं आते, हम अपना लाइव कंटेंट शेयर करते हैं आपके साथ। और इसके अलावा दोस्तों हमारी जो लैब है वो इंडिया की सबसे बिग लैब है, आप वो भी देखिए, जहाँ पर हम कम से कम 70 से 80 स्टूडेंट बिठा सकते हैं। इतने ही माइक्रोस्कोप हमारे पास हैं, एक बड़ी टीम है। यहाँ एक सिंगल आदमी आपको नहीं पढ़ाने वाला यहाँ पर, क्योंकि एक टीचर आपको कितना ही पढ़ा देगा, कितना अपडेट दे देगा यहाँ से जाने के बाद में, उसको नया बैच भी करना है, कॉलिंग भी हैंडल करनी है, सब कुछ, तो ये पॉसिबल हो नहीं पाता है। खैर बट यहाँ पे एक बड़ी टीम मिलेगी और एक बड़ा नाम मिलेगा, और जिसमें आपने अगर आप जानते नहीं हैं तो थोड़ा और अच्छे सर्च करेंगे तो हमसे पढ़कर बहुत सारे स्टूडेंट
या हमसे पढ़कर बहुत सारे लोग यहाँ से जाकर अब बहुत अपने अपने इंस्टीट्यूट खोल चुके हैं और अपने इंस्टीट्यूट में अच्छा काम कर रहे हैं। हालांकि वो रिवील नहीं करते कि वो ऐसा टेलीकॉम के स्टूडेंट है, बट सभी जानते हैं कि यहाँ से पढ़कर कौन स्टूडेंट यहाँ से गया हुआ है। सो ऐसा टेलीकॉम आप अगर आना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं, कॉलिंग का नंबर आपको नीचे दिया गया है और आपको स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा। और उसके साथ आप कॉलिंग का जो टाइम है कृपया करके 12 और 5 बजे के बीच में कॉल करें, और अगर आप शाम को कॉल करते हैं तो आप केवल 7 वाले नंबर पे कॉल करें, 9 वाले नंबर पे कॉल मत करें। और दोस्तों जो ये जानना चाहते हैं सिर्फ व्हाट्सएप पर फीस बता दो ये बता दो तो काइंडली वो भी मत करें। मैं आपको व्हाट्सएप में भी तो डिटेलिंग दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से मैसेज आते हैं, तो मैं आपके साथ अपनी फ़ोन की स्क्रीन शेयर करता हूँ जिसमें मैं कमेंट्स पहले लेता हूँ, उसके साथ कुछ व्हाट्सअप के। सो वीडियो काफ़ी अमेजिंग होने वाला है, बहुत नॉलेजेबल होने वाला है, वीडियो पूरा देखिएगा, आपका ही फ़ायदा होगा। चैनल से कुछ कमेंट उठाना चाहता हूँ, जैसे और जो कमेंट में मुझे हम लोग को काफ़ी अच्छे कॉम्प्लीमेंट्री कमेंट करते हैं उनका नाम लेके भी उनको थोड़ा शाउट आउट करें, जैसे रिंकू मोबाइल नाइस थैंक यू वेरी मच, आकाश कुमार थैंक्स अ लॉट थैंक यू, उन्होंने कुछ मोबाइल से सॉल्यूशंस निकाले होंगे। मुन्ना कुमार दास पूछ रहे हैं सर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एमएमसी प्राइस क्या है। सो देखो प्राइस तो हम कोर्स का आपको फ़ोन पे ही बताएंगे, बट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आप बहुत एक सही गाइडेंस पे जा रहे हैं, आपने ये नहीं लिखा कि आईफोन और एंड्रॉयड दोनों करना है। बहुत सारे स्टूडेंट भटके हुए हैं इस फील्ड को गलत वे में लेते हैं, उनको लगता है ये कोई मदारी का खेल है कि गए और सीधे डमरू बजाया और नाचना चालू हो गया। ये ऐसा इतना आसान काम नहीं है दोस्तों, ये काफ़ी हार्ड वर्किंग और डेली टू डेली ये मेहनत और पैशनेट लोगों का है। खास तौर पे केवल वही लोग कर रहे हैं जिनका थोड़ा सा बजट हो, अगर आप कुछ पैसे लोन में, और दोस्तों जो लोग कहते हैं कि थोड़ा बहुत काम करो उससे पैसे कमाओ फिर आप नया टूल खरीदो, मैं ये कहता हूँ कि अगर आपके पास टूल नहीं होंगे तो आप काम क्या करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप अगर आना चाहते हैं तो पहले पूरा समझिए इंस्टीट्यूट से कि टूल के पैसे हैं या नहीं हैं और टूल में कितना पैसा लगेगा। जो इंस्टीट्यूट ये बोलते हैं कि ज़रूरत नहीं है आपको तो सिर्फ 2000 रुपये के टूल के साथ चालू कर देंगे और अपना कमाकर उससे 10-20 हज़ार रुपये कमाकर लाखों के टूल खरीद लेंगे, तो दोस्तों ये पॉसिबल नहीं है, सब झूठ बोलते हैं। मोहम्मद नजर आलम कह रहे हैं सर आप कहाँ से हो। भाई ये जबलपुर मध्य प्रदेश में हैं और आप जबलपुर हमारे विजिटिंग अलाउ नहीं है, लोकल विजिटिंग कोविड के बाद हमने बिल्कुल बंद कर दी है, ऑनलाइन हम पढ़ाते नहीं हैं और जो हमारी टीचिंग है वही हमारे टीचर मिलते हैं और टीचर हम एज अ बीइंग टीचर हम क्लास में आपको समय दे नहीं पाते हैं। आप आइए, कॉल कीजिए, एडमिशन बुक कीजिए और जो भी बैच डेट है उसमें आइए, फिर तो पूरा महीने भर हम आपके साथ रहेंगे। उम्मीद कीजिए और विश्वास कीजिए, एक भी समय आपको ऐसा बिलीव नहीं होगा कि आप घर पे हैं, आपको लगेगा आप अपने ही घर पे हैं यहाँ पर रहकर भी। उम्मीद विश्वास कीजिए कि आपको ऐसा बिलीव नहीं होगा कि आप घर पे नहीं हैं, जब आप यहाँ आएंगे तो आपको लगेगा कि आप घर पे हैं। दोस्तों दुकान में गुरु का होना और घर पे माँ बाप का होना क्या चाहिए। रिंकू मोबाइल नाइस थैंक यू, मनोज कुमार गुड, इनको लाइक कर देते हैं। तो आप बेहतर होगा कि आप पहले सही नॉलेज लीजिए और उसके बाद में ये कीजिए। और ये जो मोबाइल है ये काफ़ी पुराना है और इसका जो OS है उसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई अपडेट आया होगा, क्योंकि इसका जो CPU प्रोसेसर है वो देखिए जो अपडेट आते हैं वो प्रोसेसर के हिसाब से होते हैं कि वो प्रोसेसर उस अपडेट को लेने लायक है कि नहीं है। सो ये प्रोसेसर काफ़ी पुराना है तो मुझे नहीं लगता है कि उसके लिए कोई अपडेट आया होगा। तो आज की डेट में ग्रैंड ड्यूस के अपडेट के लिए तो मुझे नहीं लगता आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप नेक्स्ट मोबाइल में जाइए, यही बेटर है, और उस पर अपडेट करके भी, और जबकि आपका सिस्टम भी नहीं है। सर आई वॉन्ट लर्न रिपेयरिंग प्लीज़ टेल मी व्हाट इज़ योर फीस। फीस आपको कॉल करके ही पता चलेगा और यहाँ रहना खाना कम्प्लीटली फ्री है। यहाँ ट्रेसिंग के लिए आपको बोर्ड दिए जाएंगे, आप कहेंगे कि सर लाइव बोर्ड दिए जाते हैं क्या, आपको लाइव बोर्ड अपने साथ खुद लेकर आना पड़ेगा। देखिए आप अपने साथ लाइव बोर्ड लेकर आइए, आप उसमें खुद प्रैक्टिकल ट्रेसिंग कीजिए, तो आपको ये नहीं होगा कि हमने अपने से आपको बोर्ड दिए, हम जो भी बोर्ड दे रहे हैं ऐसे आप उसमें ट्रेसिंग कर रहे हैं, आपको कहने को होगा कि आपने जो बोर्ड दिया केवल मैंने उसमें ट्रेसिंग किया, इसलिए हम लाइव बोर्ड नहीं देते। हम ट्रेसिंग के लिए देते हैं ताकि पैड टू पैड हो, हम CPU वाइज ट्रेस करवाते हैं, आपको जिस बोर्ड में ट्रेस करना है वो बोर्ड लेकर आइए, हम आपको उसी बोर्ड में ट्रेस करवाएंगे। तो हेलो सर, यहाँ पर एक जन ने लिखा है सर अपग्रेड है आपके लिए, बताना चाहता हूँ कि एक ही बार हो सकता है बट आपको लव यू, अमीर चाणक्य हैं और आपके छोटा सा सिसु, और ठीक है थैंक यू वेरी मच रंजीत कुमार आपके इतने बड़े कॉम्प्लीमेंट के लिए। फिर कहाँ पर है ऐसा टेलीकॉम, जबलपुर मध्य प्रदेश में है सर। यहाँ पर एक और बड़ा सर मेरे पास एक बहुत खराबी
सर मेरे पास एक बहुत ख़राबी रिलेटिव का माइक्रो मैक कैनवस सेल्फी 3 हुआ रिपेयरिंग होने के लिए आया था, डेड चालू कर दिया लेकिन लोगों पर हैंग हो रहा है और यकीन लोगों की प्रॉब्लम आ रही है सर, उसमें उनका इंपॉर्टेंट डाटा है, सॉफ्टवेयर करे लेकिन डाटा नहीं जाना चाहिए। अच्छा, आपका फ़ोन में आपने फ़ोन को चालू तो किया पर लोगों का समस्या, आप देखिए इसको है ना, आप बिना फ्लैश किए हुए तो आप इसको कर नहीं सकते, बट अगर आपको डाटा चाहिए, पर ज़्यादातर इसमें जो MMC का फॉल्ट होता है बेसिकली ये हेल्थ की वजह से होती है, इसकी हेल्थ कंज्यूम हो जाती है, सो 90% कंज्यूम होगी, 98% यही फॉल्ट होगा। आप इसको फ्लैश भी करेंगे तो भी ये सेम फॉल्ट में आएगा, और आप इसको अगर फ्लैश करेंगे आपको लगेगा डाटा चले जाएगा, तो मुझे लगता है फ्लैश होगा ही नहीं, और फ्लैश होने के बाद भी हो सकता है लोगों पर रहे या फ्लैशिंग में कोई एरर आए या फ्लैशिंग बहुत स्लो हो और आपको लगे कि रुक गई है या किसी भी प्रकार का टूल में एरर आ सकता है। सो इस कंडीशन में तो ये पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा कस्टमर को डाटा मिलना, बट आप इसको एक काम कर सकते हैं, MMC निकाल के एक बार चेक कीजिए, और अगर वो डिटेक्ट होती है तो आप उससे जो क्योंकि पुराना एक MMC है आप इससे डाटा निकाल सकते हैं। इसमें जो डाटा होता है सो ये पुराना MMC है, इसमें जो डाटा होता है मेरे ख्याल से वो डिक्रिप्ट डाटा होगा, तो आप उससे बकायदा MMC से उसको निकाल सकते हैं। अगर कंज्यूम का प्रॉब्लम होगा तो कुछ नहीं कह सकते। सर फाइल नहीं है तो अच्छा, अब देखिए एक वीडियो हमने डाला था Redmi Y2 MMC चेंज, में फाइल नहीं है। दोस्तों मैं सच बताऊं वो फाइल में लिंक हम डालते हैं फिर रिमूव हो जाती है, आप लोग कहते हैं सर फाइल नहीं है आप वीडियो बना देते हैं, तो आप कोई बात नहीं है, देखो YouTube में हज़ारों लोगों ने डाल दिया, आप हमारे पास फाइल नहीं है आप YouTube का चैनल खोल के किसी दूसरे से निकाल लो, अगर आप हमारे स्टूडेंट हो तो आप हमसे WhatsApp में मांग लो, हम बिंदास दे देंगे। सीखने के लिए कितने पैसे लेंगे भैया? सीखने के लिए पैसे लगेंगे वो एक अलग बात है, टूल्स के लिए पैसे भी लगाओ, और ये भी सोचो कि मुझे आने वाले 3 महीने तक प्रैक्टिस करनी है फ़ोन बनाने के साथ। भाई मैं फ़ोन बनाऊंगा मार्केट से, पर ऐसा सोचोगे कि हर दिन मैं 1000 रुपये या 2000 या हर दिन 10000 या जाते साथ महीने के 50000 1 लाख कमाने लग जाऊं। अगर ये बिज़नेस ऐसा होता तो दुनिया में हर कोई मोबाइल रिपेयरिंग ही कर रहा होता। सो दिमाग में रख लो कि मोबाइल रिपेयरिंग स्किल का काम है, आपको हैंड स्किल इम्प्रूव करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको अपना टाइम देना पड़ेगा, कैसे करना है वही हम सिखाते हैं, और कहाँ करना है, कैसे कौन सी IC पे काम करना है, वो सारी चीज़ हम आपको प्रैक्टिकली सिखाएंगे, बाकी हैंड स्किल पे टाइम लगता है। फीस कितनी है सर? कॉल करके पता कीजिए। आपका इंस्टीट्यूट दिल्ली में है क्या? नहीं भाई, हमारा इंस्टीट्यूट दिल्ली में नहीं है, हमारी कोई ब्रांच नहीं है, हमारा इंस्टीट्यूट जबलपुर में है, मध्य प्रदेश। आप गूगल से देखिए, IRCT ओपन कर लीजिए, हमारे यहाँ आपको एयरपोर्ट भी मिलेगा डुमना एयरपोर्ट के नाम से। मध्य प्रदेश में जबलपुर एक काफ़ी बड़ा शहर है, छोटा गाँव वाँव नहीं है, तो ये टेंशन बिल्कुल मत लेना, यहाँ रहने खाने की सबकी सुविधा है, जो भी आप सोचोगे। बट आप सोचोगे कि आपको हम स्विमिंग पूल दे देंगे और दिन में 4 बार बिरयानी, तो ये पॉसिबल नहीं है। हाँ सर, माय MI Note 6 Pro है, डेड हो गया है और आपके फ़ोटो वीडियो डाटा रिकवरी करना है, और उसका फ़ोन का पैटर्न लॉक था पॉसिबल। अब देखो, पहली बार तो पैटर्न लॉक था, दूसरी बार वो डेड हो गया है, मतलब किसी टेक्नीशियन ने उसको हीट मारा होगा और कुछ नहीं कर सकते टेक्नीशियन। अब Note 6 Pro है भाई, Note 6 Pro में एक फॉल्ट आता है, और वो मैन्युफैक्चरिंग ले लो, उसमें जो MMC होता है वो माइक्रोन या सैंडिक्स का लगा होता है, वो ज़्यादातर वो डैमेज हो जाता है, तो 98% पॉसिबल नहीं है इसमें। और अगर मान लीजिए पावर IC की वजह से डेड है, तो आप उसको पहले चेक कीजिए कि उसमें आपके BPH लाइन या आपकी बक लाइन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और आप उसमें बहुत सारी चीज़ों को चेक करने के लिए अगर आपको नॉलेज है तो आप बिल्कुल कीजिए, डायग्राम उठा के आप उसके CPU उठा के सबसे पहले आप उसको आप ये चेक कीजिए उसका BPH लाइन बन रहा है, फिर उसके बाद में उसकी बक लाइन के चेक कीजिए, बक नहीं बनने के बाद में पावर को रिवॉल्व करके चेंज कीजिए, अगर नहीं होता है तो CPU को रिवॉल्व कीजिए, फिर आप ये उसके बाद में क्योंकि तो पहले तो काम आपका बग बनाना है, और ये भी आप चेक कर सकते हैं अगर आपका फ़ोन पोर्ट बना रहा है, अगर वो डायरेक्ट पोर्ट बना रहा है तो सीधा MMC निकाल दो, डेड है कुछ नहीं कह सकते, बट अगर नॉर्मल पोर्ट बना रहा है तो पहले फ्लैशिंग करो, पर 98% एरर ही आएगा। सो इसमें कुछ नहीं कर सकते मेरे भाई, इसमें ना मैंने रिप्लाई भी किया हुआ है, पॉसिबल नहीं है MMC डेड हो गया, तो आप रिप्लाई भी देख सकते हैं। नाइस वीडियो, थैंक यू। एंड्रॉयड फ़ोन और आईफोन कोर्स करना है भाई, मेरे एंड्रॉयड आईफोन कोर्स एक साथ नहीं हो सकता है, ये सब्जी मंडी नहीं है, धनिया के साथ मिर्ची नहीं ले सकते, यहाँ एक ही चीज़ का ज्ञान मिलना पड़ेगा, यहाँ एक ही चीज़ का ज्ञान मिलेगा। जैसे आपके बच्चे, आपने कभी जीवन में अगर 11 पढ़ी होगी 10 के पास, तो 11 में क्या स्ट्रीम होता है ना कि मैथ्स लेना है साइंस लेना है, आपने कभी देखा मैथ्स साइंस एक साथ ले लिया? आप साइंस भी पढ़ रहे हो 10 सब्जेक्ट और मैथ्स के भी 10 सब्जेक्ट, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना,
तो वैसा एंड्रॉयड आईफोन को एक साथ मत मिलाओ, जो कर रहे हैं उनको करने दो, कोई दिक्कत नहीं, उनके स्टूडेंट खुद ही जानते हैं उनके साथ क्या हो रहा है। फीस और टाइम कितना लगेगा कोर्स करने के लिए, भाई उसमें एक महीने का क्लासेस है पर ज़िंदगी भर ये करना है। एक महीने में आपको सिर्फ तरीके बता रहे हैं कि कैसे करना है एक डीप लेवल पे, उसके बाद फिर आप जब अपने साथ वो तरीके, पहले उतने ही तरीके को आप अपने घर पे प्रैक्टिस करोगे, अपने शॉप में प्रैक्टिस करोगे, कुछ मोबाइल बनाओगे, कुछ डैड होंगे, कुछ डाउट होंगे और वो सब डाउट लेके हमसे डेली डिस्कस करोगे। यही ग्रुप आपके ग्रुप जो आफ्टर आपको हम बैकअप देंगे और उसके बाद 3 महीने बाद 5 महीने बाद आप हमारे पास वापस आओगे वो सारे डाउट फ़ोन के साथ, और हम 3 दिन का आपको सपोर्ट देंगे जिसमें आप ये सारे फ़ोन को फिर से बनाना, और जहाँ जहाँ आपको डाउट है जहाँ से आपके फ़ोन बनाना है फिर से क्लियर हो जाएंगे। सो इस तरह का रहता है। आप ये सोचो कि एक महीने में आप जाकर हीरो बन जाओ, ऐसा नहीं है, हीरो बनने की प्रोसीजर ज़रूर हो जाएगी। कुछ भी आसान नहीं है और कुछ भी कठिन नहीं है, मेहनत सब जगह है। आई वॉन्ट टू गो, बिल्कुल आप आ सकते हैं। ऑसम सर, थैंक यू, ग्रेट सर। फीस तो मैंने बता दी, आप कॉल कीजिए। आई कैन यूज़ इजी जेटेक ईएमसी अडेप्टर यूफाई, नहीं यूज़ कर सकते, अडेप्टर्स अलग होते हैं। महाराष्ट्र का स्टूडेंट का नंबर दीजिए, भाई नंबर आपको लेना है। इस बार मैंने सब स्टूडेंट के नंबर डाले हुए हैं, फेसबुक में जाओ, लेटेस्ट वीडियो देखो, उसमें हर एक स्टूडेंट का नंबर स्टूडेंट बोल रहा है लाइव, आप जाके वहाँ से ले सकते हो। बहुत अच्छा पढ़ाते हो, 28 फरवरी बैच का स्टूडेंट हो, और ये हमारा प्रमोद कासे दे, देखो ये हमारे इसी बैच का स्टूडेंट है 28 फरवरी का, और इन्होंने खुद लाइव यहाँ पर बात डाला है कि सर जो भी बताया बिल्कुल सही है, मैंने उनको थैंक्स भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो सर वीडियो फुल HD में अपलोड किया करो। देखो ये जो वीडियो में आपने डाला है, ये वीडियो हमने ना 2020 में बनाया था, काफ़ी 2 साल हो गए हैं। तो अभी आप अगर वीडियो पे आश्रित रहना चाहते हो, आपको ये नॉलेज नहीं है, ये सिर्फ एक पावर लाइन का, मेरे ख्याल BSI लाइन का दिया था, तो मुझे लगता है आपको एक ना रिपेयरिंग सीखनी पड़ेगी, क्योंकि एक क्लासेस ज्वाइन करो, आ जाओ हमारे पास में। सच बताओ कि अभी आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, और आप जिस दिन आओगे उस दिन आप सोचोगे कि मैंने वाकई में 1 साल वेस्ट कर दिया देख देख के यूट्यूब। सो सर ऑनलाइन क्लास होने पर अच्छा हो, ऑनलाइन क्लास होने पर अच्छा होता है, क्योंकि रनिंग शॉप बंद करके कोई रिपेयरिंग सीखना मुश्किल होता है। देखिए सर ऑनलाइन हम जैसे टेक्नीशियन के लिए कुछ कीजिए। हाँ भाई ये क्या है पता नहीं, नाम ही अलग है। तो ऐसा है कि आप अगर ये धारणा लेकर बैठेंगे कि आपकी शॉप बंद हो जाएगी और आपका व्यापार नहीं चलेगा, तो पहली बात तो मुझे नहीं लगता है कि आप कुछ व्यापार कर पा रहे होंगे। सिर्फ चार्जिंग कनेक्टर बदलना है, फोल्डर बदलना, सो आप उसके एक लड़का बिठा दीजिए, आपसे बेहतर कर लेगा वो, आप भी अब शायद जानते होंगे। 2 दिन में किसी भी लड़के को रास्ते में जो भी आपको लगता है 2-4 हज़ार में या 10-5 हज़ार में एक लड़का लेके आइए, और उसको दो दिन आप खुद ही मास्टर बन के चार्जिंग कनेक्टर निकालना, ये सब निकालना आप उसको सिखा दीजिए। आप ऑनलाइन कैसे सीख सकते हैं यार, देखो ये अगर मैं यहाँ पर एक IC को निकालूं और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने घर पे भी नहीं निकाल पाएंगे, ऐसा है। तो YouTube में तो लाखों वीडियो हैं जिसमें बहुत सारे लोगों ने आप लोगों के लिए फ्री क्लासेस खोल के रखी हैं। सर दोस्तों कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, आपको यहाँ पे Class 1 Class 2 दूंगा, हर कोई तीसरी चीज़ें बता रहा है, हर कोई BPS बता, तो आप वहाँ से क्यों नहीं सीख रहे हो? आपको फिर हमारा इंस्टीट्यूट या किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि आपको पता है वो वीडियो से समझ नहीं पा रहे हो, आपको फीडबैक नहीं मिल पा रहा है। आप ऑनलाइन एक मिथ है, ठीक है, आप पैसा वेस्ट है। आप अगर ऑनलाइन सीखना चाहते हो तो पहले कार चलाना सीख लो, अगर आप सीख लो जाओगे तो भाई आ जाना, आपकी शॉप बंद हो जाएगी, आप नहीं आ सकते। तो ये आपके लिए, ये आपका सबसे गलत फहमी है, आपके शॉप बंद ही है। जिस दिन आप बंद करके बाकायदा यहाँ आएंगे और 1 महीना अपना देंगे, उसके बाद जो आप काम करेंगे वो आपका शॉप को इतना हाई कर देगा कि मार्केट का वो काम उठाएंगे जो आप सोच नहीं सकते हैं। बट ये आपको गलत है, आपको लगता है सब घर बैठे और बिस्तर के ऊपर मिल जाए, सो ये पॉसिबल नहीं है। और जो मार्केट में कोर्स हैं ले लो 5,000, 10,000 एक जितने भी हैं, और उसके बाद में फिर रोते रहना, क्या कर सकते हैं। मेरा फ़ोन है, एक सेम प्रॉब्लम है, कैसे बनेगा M30 डिस्प्ले लाइट, और अपने किसी स्टूडेंट को सजेस्ट कीजिए। हाँ भाई सजेस्ट किया है उसमें, देखो हमारे कौन से फेसबुक में वीडियो देखो, बहुत सारे स्टूडेंट हैं महाराष्ट्र के, वहाँ पे जा सकते हो, SP Digital है, तो आप अपना एड्रेस वेड्रेस सब सेंड करो, तो हम अपना स्टूडेंट भी आपको रेफरेंस कर देंगे। तो दोस्तों बहुत सारे कमेंट्स हैं इसके साथ, एक दूसरे यूट्यूब चैनल में भी चलता हूँ मैं, तो यहाँ मैं आ गया अपने देवदन अग्रवाल में, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सर मैं कंफ्यूज हूँ कि डायग्राम टूल है कि आज की तारीख में कौन सा बेस्ट रहेगा, बोर्नियो कॉम्बिनेट। पहली बात तो कॉम्बिनेट प्रो तो फेल है, बोर्नियो बेस्ट है। बट अगर आप नए हैं, फ्रेशर हैं और आप सीख रहे हैं, तो मेरे भाई बोर्नियो आपको एंडलेस तो नहीं बताएगा,
वो चार, वो मान लो आठ लाइन में उससे तीन लाइन बता रहा है, पांच लाइन तो स्किप कर दे रहा है। खैर, समझदार लोगों को इशारा काफ़ी है और बाकी लोगों के लिए क्या बोल सकते हैं। सर, पीसीबी इंस्टीट्यूट की तरफ से मिलते हैं कि नहीं? जहाँ बिल्कुल मिलते हैं, ट्रेसिंग के लिए पर लाइव आप लाइए, नहीं तो कहने को रहेगा कि हमने जो दिया आप उसी में कर रहे हैं, आप जो लाएंगे हम उसी में करवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमको। अगर उसमें डायग्राम नहीं होगा तो भी करवाएंगे, होगा तो भी करवाएंगे, और कैसे करवाना है ये हमारे पास छोड़ दीजिए। मैंने यहाँ पर उनको लिख के भी रखा हुआ है और वो समझ भी गए हैं यहाँ पर, ठीक है। सर हेलो सर, आपसे एक हेल्प चाहिए। मेरे पास एक रेडमी नोट 6 प्रो आया, उसमें सीपीयू निकालने, सीपीयू की लाइन, देखो मैंने इनको काफ़ी सोल्यूशन भी दिए हैं, आप जैसे कि देख सकते हैं। देखो सीपीयू, इन्होंने बताया कि सीपीयू रिबोल्व किया तो सॉर्टिंग बता रहा है, सीपीयू निकालने के बाद भी सॉर्टिंग आ जाती है, पर मैं दूसरा डाला तो भी सॉर्टिंग, मतलब इन्होंने कहा कि इन्होंने सीपीयू चेंज भी कर दिया होगा तो भी सॉर्टिंग है, मतलब सॉर्टिंग इनके इंटरनल बोर्ड में है। तो भैया बोर्ड स्वैप करो, बेस्ट है अगर आपका सीपीयू सही है तो। सीपीयू की आप 1.8 वोल्टेज की लाइन चेक कर लो, वीडीडी, अगर वो आपकी बीप मार रही है, और आप वो सीपीयू के नीचे पैड पे भी चेक कर सकते हो। सर नोट 6 प्रो डेड हो गया है और डाटा ये इन्होंने वहाँ पे, भैया नोट 6 प्रो MMC से डेड होता है, नहीं हो पाएगा। सर बैंड को वीडियो में आना है तो ठीक है, ये सब सनसाइन DSO पावर वीडियो बनाओ, सनसाइन DSO पावर वीडियो, आपको सनसाइन पे वीडियो चाहिए मल्टीमीटर पे, ठीक है बनाऊँगा, बहुत जल्द डालूँगा। क्या बोला है, टूल पे एक वीडियो बनाया था। सर OS टीम की बिट बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, मैंने एक महीने ख़राब हो गई थी। भाई हो सकता है, देखो प्रोडक्ट, हर एक प्रोडक्ट एक जैसे सेम नहीं होता है, 10 में से 2 प्रोडक्ट ख़राब भी हो सकते हैं। सो हो गया होगा आपका प्रोडक्ट ख़राब, आपने कितने टेम्परेचर में यूज़ कर रहे हैं, क्या आयरन है, ये सब मुझे नहीं पता, बट मेरा चलता है 2-3 महीने और लगभग ये तो 4-5 महीने तक चल जाता है। खैर सर, मैं आपका एक वीडियो देखता हूँ, बहुत यूज़फुल है, थैंक यू गुरुदेव कुमार, SKIT केयर, थैंक यू भोला बदोरिया, अपना एड्रेस भेजो, तो हमने नीचे अपना एड्रेस भेज दिया है, ठीक है। iCloud अनलॉक वाले भैया ये सब काम नहीं करते, फालतू के काम। सर इसे कितना खर्चा करेगा? अच्छा ड्यूअल डे करेगा खर्चा, यार अपने मार्केट के हिसाब से देखो, तुम्हारा मार्केट क्या ले रहा है उसका, कोई 1000 ले रहा है, कोई 1500 ले रहा है, कोई पता नहीं 2000 या उससे भी ज़्यादा। तो दोस्तों ये सारे कमेंट्स हैं, ऐसे तो वीडियो बहुत लंबा हो गया है, आई होप कि आपने वीडियो देखा हो, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारे रिप्लाई मिले हैं और बहुत कुछ आपको सीखने को भी मिला होगा और बहुत कुछ आप बातें भी समझे होंगे ऑनलाइन ऑफलाइन के बारे में। तो ये वीडियो मैं डाला इसलिए, और अभी जितने भी कमेंट कर सकते हो उतने कमेंट करो, पूछिए बट सही कमेंट कीजिएगा, फालतू के कमेंट मत डालिएगा। सीखने वाले भाई जो भी आपको सवाल करना है, मैं उस कमेंट को फिर से एक नए वीडियो में लूँगा, और मैं सोच रहा हूँ कि हर 3-4 दिन बाद एक वीडियो बनाऊँ और कमेंट पर अपने सारे जो आंसर्स हैं उस वीडियो पर डालूँ, और ताकि आपको हर आंसर्स मिल सके। सो आपको जो भी पूछना है इस कमेंट पर, इस वीडियो के कमेंट पर डाल सकते हैं, इस वीडियो के कमेंट मैं अगले वीडियो में उठा लूँगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब करें और ना करें, आपकी अपनी अंदर की मर्जी है, अपने अंदर की है कि आपको इस चैनल से और कुछ सीखने मिलता है या नहीं मिलता है। बाकी आपको अगर मिलता है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं मिल सकता तो आप अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए, ऑल द बेस्ट, और मेहनत करते रहें।